टॉम मोनाहन। कौन थे ये? ये डोमिनोज के संस्थापक थे। जी हाँ, टॉम मोनाहन ने पिज्जा होम डिलीवरी का युग शुरू किया, जिससे उन्हें अशातीत सफलता मिली। 1980 के दशक में जब एक दिन पिज्जा हट वालों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो टॉम मोनाहन नाम के एक अशिक्षित व कम पूंजी वाले व्यापारी से हार रहे हैं। पिज्जा हट के एक एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि पिज्जा की होम डिलीवरी सिर्फ कुछ समय तक ही चलेगी और उन्होंने बाजार के इस हिस्से की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल था। पिज्जा हट वाले चाहते तो किसी भी प्रतियोगी को आसानी से पछाड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट थे। बहरहाल उनमें दूरदृष्टि नहीं थी। वे यह नहीं देख पाए कि टॉम मोनाहन जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आगे चलकर वे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने अनजाने में मोनाहन को बाजार की मजबूती से पैर जमाने का मौका दे दिया। मोनाहन ने अमेरिकी समाज की जीवन शैली में हुए परिवर्तन को भांप लिया था। उन्होंने देख लिया था कि पारंपरिक पिज्जा ग्राहक की खरीदने की और खाने की आदतों में परिवर्तन हो रहा है। मोनाहन ने एक ऐसी सुविधा दी जो उन परिवारों को बहुत अच्छी लगी जहां पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। मोनाहन की बुद्धि और कड़ी मेहनत की बदौलत उनकी कंपनी डोमिनोज पिज्जा अमेरिका में पिज्जा की सबसे बड़ी निर्माता बन गई। पिज्जा हट वाले इस परिवर्तन को तब तक नहीं भाप पाए जब तक कि वे पिज्जा की घर पहुंच सेवा में मोनाहन से बहुत पीछे नहीं रह गए। टॉम मोनाहन ने 30 मिनट की गारंटी पिज्जा डिलीवरी शुरू की। मोनाहन की गारंटी थी कि उनका पिज्जा 30 मिनट में ग्राहकों तक पहुंच जाएगा, वरना विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। इस गारंटी की वजह से उनकी बिक्री आसमान छूने लगी। बहरहाल 30 मिनट की डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में डोमिनोज के डिलीवरी ट्रक दुर्घटनाएं करने लगे, जिसकी वजह से बाद में यह गारंटी बंद कर दी गई। लेकिन तब तक उपभोक्ताओं को यह यकीन हो चुका था कि डोमिनोज की घर पहुंच सेवा विश्वसनीय भी है और लाजवाब भी। टॉम मोनाहन ने डोमिनोज में पिज्जा के अलावा कुछ नहीं रखा। उन्होंने सैंडविच या खाने का कोई और सामान नहीं रखा। उन्हें डर था कि उनके स्टोर मैनेजर का ध्यान भटक जाएगा और वे सबसे कम समय में सबसे अच्छा पिज्जा नहीं पहुंचा पाएंगे। पिज्जा की होम डिलीवरी ही उनका एकमात्र ध्येय और लक्ष्य था। इसकी एक निष्ठा की वजह से ही वे इतने अधिक सफल हुए। तो कैसी लगी टॉम मोनाहन की स्टोरी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें